आजन तक पहली अशोक अति नहीं देखियो कि कहीं कलाकार लारे अत्रो जोरदार मेलो है, क्योंकि यो मेलो संसार रो अठे आवन जावन की रीत ऐसी करनी कर चलो वीरा थारा दुनिया गावे गीत। और आज दादारा गीत गई रहा तो बहुत बड़ी पुण्य ही वे करीन गया है, तो बड़ी सुंदर बात है जानो तो सबने है, क्योंकि जानो पड़ सी रे हो पंछी इन बागाने छोड़, इन बागाने छोड़, एक दिन जानो पड़ सी रे जानो पड़सी रे हो 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 पंछी इन बागाने छोड़, एक दिन जानो पड़सी रे 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 रे, अरे जानो पड़सी रे ओ पंछी इन बागाने छोड़, अरे सबने जानो पड़सी रे। अणि मंच पे बहुत बड़ी घोषणा, राजस्थान रा आइडल है कोहिनूर जना ने केमा पा आदरणीय भाई साहब प्रकाश जी माली, उन्होंने हमारे दादा के परिवार के लिए 51,000 रुपए की घोषणा की। एक बार जोरदार ताली, हमारे प्रकाश जी भाई साहब का जितना बड़ा दिल है, बड़ा मन है, कोहिनूर कलाकार हैं, और आपकी तरफ से इस परिवार के लिए 51,000 की घोषणा हुई है, परमात्मा खूब देगा आपको। क्योंकि किया घोंसला, अरे किया घोंसला चुन चुन तिनका, हो 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 हो, पर तेरा विश्वास न छिनका, अरे किया साथ थे किनका किनका, अरे छोड़िया सरसी रे ओ पंछी सब सखिया रो साथ, छोड़कर जानो पड़सी रे हो, जानो पड़सी रे पंछी बागाने छोड़, एक दिन जानो पड़सी रे। और दादा फैंस क्लब बैठा है यहां पर, थोड़ी सी मिट दे लो, और दादा फैंस क्लब क्या कहेंगे, अगर दिल से कहना चाहें तो कालूराम जी भाई साहब के लिए क्या कहेंगे कि हे दादा तुझ बिन जोगन सारी राते, अरे तुझ बिन मेरे दिन बन जा रे, तुझ बिन जोगन सारी रात, तुझ बिन मेरे दिन बन जा रे, साथ ये छूटे ना, साथ ये छूटे ना, तू मुझसे रूठे ना, ये दिल टूटे कभी ना,
तेरे बिना भी क्या जीना ओ दादा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। जब तक है पिंजरा में वासा, अरे तब तक है अरे दुनिया की आशा। जब तक है पिंजरा में वासा, तब तक है दुनिया की आशा, तब तक है वनमाई वासा। और जने जदी जदी जानो है मने जानो है, अने दुनिया में जो जो आया है फिक्स टाइम फिक्स समय लिखे लगो है, क्योंकि टेमन 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 टलसी रे, अरे पंछी जो करनो वे जो तू कर ले आखिरे छाणो पड़सी रे, 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 छाणो पड़सी रे, 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 रे। ओ पंछी इन बागाने छोड़ एक दिन छाणो पड़सी रे। आहा, निकला एक मुसाफिर अपने घर से, दिल में बड़े अरमान थे, एक तरफ झाड़िया दूसरी तरफ शमशान थे। निकला एक मुसाफिर अपने घर से, दिल में बड़े अरमान थे, एक तरफ झाड़िया दूसरी तरफ शमशान थे। चलते चलते ठोकर लगी एक हड्डी के, ये बयान थे। संभल कर चले जाने वाले, क्योंकि हम भी कभी इंसान थे, मगर दादा ने जो कमाई करी है साहब, मैं चाहता हूं एक बार दोनों हाथ उठा कर गए दादा के लिए जोरदार ताली बजाएं और एक साथ, अरे जानो पड़सी रे, ओ पंछी इन बागाने छोड़ एक दिन जानो पड़सी रे, 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 अरे जानो पड़सी रे, ओ पंछी इन बागाने छोड़ एक दिन जानो पड़सी रे, क्योंकि अरे अब उड़वा कहाँ आ गया दिनड़ा, अरे अब उड़वा का आ गया दिनड़ो। अरे तिलक, अरे बिलख बिलख बिलखावे मनड़ो, जतना सूथे कर राख्यो पनड़ो। अरे आखिर मरसी रे, अरे आखिर मरसी रे, हो फेरिया ये देहीरा दंड एक दिन हो गया सरसी रे, हो जानो पड़सी रे, हो पंछी इन बागाने छोड़ अरे एक दिन जानो पड़सी रे, अरे सबा ने एक दिन जानो
पर सिरे अरे आपने भी तो जानो पर सिरे अरे हाकी में जानो पर सिरे हो और आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में आदरणीय श्री लेरूदास जी ने आज की इस शाम को यादगार बना दिया, बहुत सुंदर रचना भैरव शंकर जी महाराज की आप सभी के बीच में प्रस्तुत की है। आइएगा, अब मैं निवेदन कर रहा हूं श्री गजेंद्र जी अजमेरा आ जाएं, आप आपसे मेरी गुजारिश से मंच पर बिराजे और अपनी रचना प्रस्तुत करें। ऊंचे आसमान से भी ऊंची तेरी आस है, पर ये तूने कभी सोचा नहीं कि गिनती की तेरी सांस है। इसका तो हिसाब कर, अंगूठा उंगलियों पे धर, कितना तू खर्च कर रहा भलाई में, कितना लुटा रहा बुराई में, और भलाई का फल यही रह जाएगा, बाकी सब माटी में मिल जाएगा। ये भलाई का फल है कि आज पूरे के पूरे राजस्थान से नहीं, पूरे देश से यहाँ पर लोग आए, ये दादा की भलाई है। मुझे पता है कि अगर दादा होते ना तो सबसे बड़ी खुशी होती। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो लोकार्पण किया उसको देख करके दादा अपने आप में भावुक हो जाते, ऐसे क्षणों को देख करके जब पूरे देश के निमित्त कोई ऐसा काम होता तो मुझे पता है। और ये चर्चा मेरे से विशेष तौर से करते थे वो, कितनी बड़ी बात है, ये धर्म की बात उनके रग रग में थी। राजनीतिक रूप से कौन आना चाहिए, संविधानिक रूप से कौन किसका कौन सत्ता में आना चाहिए, दादा के मन के ये बड़े भाव थे कि हमारे देश के लिए राम मंदिर भी होना चाहिए तो काशी विश्वनाथ भी मुक्त होना चाहिए, मथुरा भी कृष्ण भगवान की मुक्त होनी चाहिए, ये दादा के भाव थे। तालियां बजाओ, आइएगा, भारत माता की जय। मैं निवेदन कर रहा हूं श्री गजेंद्र जी अजमेरा। देवेंद्र जी अपने ब्यावर वाले, हाँ पहला, हाँ शुभम भैया, शुभम बाबू, भगवान की कृपा से ये तमाम जो हैं आपके कोई अंकल भी हैं, कोई बड़े पापा भी हैं, क्योंकि हमारा परिवार है तो फिर इसमें कोई मित्र नहीं होता है, ये सब रिश्ते यही होते हैं, कोई ताऊ है तो कोई अंकल है, और हम सभी लोग हमारी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे इस परिवार के प्रति। ठाकुर जी ऐसी हमें शक्ति देवे, और शुभम को जहां पर भी हमारा मौका मिलेगा तो हम बिल्कुल पार्टी वालों को कहेंगे कि हमारे परिवार का एक सदस्य है हमारा बालक शुभम बिखर लिया, तालियां बजा दो। और ठाकुर जी चार भुजानाथ की कृपा से दादा का जैसा काम था ना, मैं बिल्कुल यहाँ पर उसकी कृपा से जब नाम लेता हूं ना तो इसमें यह सत्य बात है कि आपके सभी मनोरथ सिद्ध हो, क्योंकि ऐसे बेग भगवान विराजमान है। आइएगा शुभम जी बिखरनिया को हम सभी लोग सुन रहे हैं। प्रजापत गजेंद्र जी अजमेरा, श्रीमान धनराज जी जोशी धन्ना महाराज, श्री विनोद जी जावा अहमदाबाद से, हमारे बीच में तेजपाल सिंह जी नरवर देवड़ा व मंदसौर से, जितने भी जो कलाकार विराजमान है आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है, और एक एक करके सभी का नंबर लाने की हमारी पूरी तैयारी है। सभी कलाकारों से आज्ञा लेते हुए मेरे पापा के चरणों में छोटी सी रचना पेश कर रहा हूं, कोई गलती हो तो क्षमा करें। निरे चेती अज्ञानी जीवन अब तू चेती जा रे, मिनकपणो कमाई के तू जाय मुसा,
ओ मेलो संसार को। नरेश भैया साथ में संगत करेंगे, आ जाओ। अठे आवणी जावणी ऐसी करनी कर चलो सारा दुनिया गावेगी। घरिया गणे सुनो करी गया जापी पली दा टूटिया पाने जापी पली दा टूटिया पाने पापा जी झाकी मन याद सतावे पापा जी झाकी मन बोलू दादारी ओलू गणी आवे रे हो सतावे नेनी बरियावे आवे आवे पापा थारी याद आवे आवे पापा थारी याद पापा जी थक बिन जी नहीं लागे ओ दादा बिना जी नहीं लागे गरिया गणेश सुनो गरिया गणेश सुनो करी गया करे आंगन सुनो करे गया जापी दादा खानी याद सतावे ओ गावी भी सुनो गलिया भी सुनी गावे भी सुनो गलिया भी सुनी सुनो लागे घरे परिवार ओ सुनो लागे घर परिवार जी थाकी मन यादी सतावे सा दादा थाकी यादी सतावे Thank you.
पापा कृषि बिरोवे मोहिनी बिरोवे कृषि बिरोवे मोहिनी बिरोवे रोवे रोवे सुख मिथा को आज रोवे रोवे सुख मिथा को आज पापा जी थारी मन जोलू घनियावे ओ राज पापा जी थारी मन यादी सतावे ओ राज हेलो। और देखिएगा किसी भी पुत्र के जीवन में पुत्र धर्म का जब निर्वहन होता है तो उस समय ये अपने आप में सबसे मार्मिक क्षण होता है। और शुभम बिखरनिया के जीवन में तो मैं ये समझता हूँ कि इसका बहुत बड़ा पुण्य जो कालूराम जी बिखरनिया की संतान के रूप में इसने दुनिया में जन्म लिया, ये बहुत बड़ी बात है। परम पिता परमात्मा सबका पिता है, वो सभी कोई उसकी कृपा से कोई अनाथ है नहीं। शुभम से हमारा ये निवेदन है कि बिल्कुल अंतर्मन के भावों के साथ में, हम जानते हैं कि दादा तो दादा ही थे, दादा परिवार के लिए तो क्या पूरे के पूरे पूरे हर व्यक्ति को अपना परिवार समझते थे। उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी एक परिवार है, ये कोई दादा से सीखे। आत्मवत् सर्वभूतेषु, यानी कि मैं जैसा हूँ वैसा मेरे जैसे सभी लोग हैं, ये कोई दादा से सीखे। तो इसलिए ये केवल आपके परिवार का विषय नहीं है, ये समग्र कलाकार परिवार का विषय है। लेकिन आपके मार्मिक भावों के मैं बहुत कद्र करता हूँ शुभम भैया, मस्ती के साथ में, आनंद के साथ में, ये सात्वक सत्य है। ओ मीता बुलावे पापा सुमेने बुलावे, मीता बुलावे पापा शुभ बुलावे, मीना बैसा जोवे थारी बाते बिरोसा कुणी मन लाट लटा पैसा बिरोसा कुणी मन कुंदड़े उठावे। साती जनी मारा बचन निभाया, साती जन मारा बचन निभाया, पल में पिया जी मारे करीगा पराया, पल में पिताजी मान करीगा डूब्यो भगवती माता जी रो चांद, डूब्यो डूब्यो भगवती माता जी रो चांद, पापा जी छाती मने ओलू गणिया वे हो, दादाजी तारी यादी सतावे राज। Thank you.
देखिएगा ये शुभम बिखरनिया के अंतर्मन के भाव थे जिसको शब्दों में पिरा करके, क्योंकि शब्द ही ब्रह्म है, और शब्दों में पिरो करके हमारे शास्त्र भी ये कहते हैं कि जो पुत्र अपने पुत्र धर्म का उस समय पालन करता है जब अंधी आंख मीचे हुए भूमि में पड़े हुए पिता की अर्थी को कंधा देकर के, जो पुत्र पूरे भाव के साथ में जब शमशान तक लेकर के जाता है तो एक एक पग पर उसको एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अब देखो इससे बड़ी बात क्या होगी। तो ये पूरे के पूरे परिवार के वृतांत को आपने शब्दों के माध्यम से बताया। किसी प्रकार का इस बात को सुना हूं भरत भावी प्रबल बिलक कहक मुनिनाथ। मुनिनाथ ने भरत जी को कहा कि चिंता मत करो, राम जी चले गए, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, हानि लाभ यश अपयश जीवन मरण विधि हाथ। आखिर एक दिन जाना तो यही है, लेकिन ये छह चीजें ईश्वर के हाथ में है। हम सभी लोग बड़े करुण स्वर में कालू राम जी बिखरनिया जैसी अमर आत्मा को हम सभी लोग वंदन करते हैं कि जो संसार में आकर के अपने अंतिम यात्रा की तैयारी ऐसी कर ली कि जिसने वैतरणी तिरने की तैयारी की, और वैतरणी तिरने की तैयारी कौन करेगा, ऐसे महापुरुष करेंगे। जय हो दादा, जय हो आपकी, तालियां बजा दो सभी। ओम शांति शांति शांति। आइएगा, मैं निवेदन कर रहा हूं आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में बहुत सुंदरतम तरीके से तमाम फनकार पूरे के पूरे राजस्थान के यहाँ पर विराजमान है। पूरे भाव के साथ में अपनी अपनी रचना यहाँ पर प्रस्तुत की जा रही है। अहमदाबाद से पूनम जी भाई साहब, हाँ गजेंद्र जी अजमेरा, गजेंद्र जी से मेरा निवेदन है आओ हमारे साहब। हमारे बीच में आदरणीय श्री गजेंद्र जी अजमेरा आज के इस कार्यक्रम में तेजा जी महाराज के बहुत अच्छे, ये बिल्कुल सेलेक्टेड गायक है, उम्दा गायक तेजा जी महाराज के कर्णालिया से लगा करके, सुरसुरा से लगा करके आपको बहुत आशीर्वाद भी मिला है, और मैं ये माइक्रोफोन आपको समर्पित कर रहा हूं। हाँ मुझे पता है, वो बिल्कुल आजकल तो यहाँ क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि बिखरनिया में ये जाजम कैसी बिछी है, कौन कौन व्यक्ति यहाँ पर किस तरीके का किरदार निभा रहा है। और श्री गजेंद्र जी अजमेरा ने पिछली जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम दादा की जो डांगड़ी रात थी, उसमें जैसा गजेंद्र जी अजमेरा ने कहा, ये मेरे शब्द नहीं है, ये पूनम चंद जी कविया के शब्द है, आदरणीय पूनम चंद जी ने मेरे को कहा है। और गजेंद्र भैया से मैं निवेदन करूंगा कि यही तो खुशबू है। माना कि हम बहुत मशहूर है, हाँ हाँ बड़े फनकार है, ये माना कि हम बहुत मशहूर है, हाँ हाँ बड़े फनकार है, लेकिन सोचते हैं कि इस दुनिया से क्या ले जाएंगे हम, तो अखबार से काटी हुई एक तस्वीर है जिसको कागज चुनने वाले कल उठा ले जाएंगे। तो जब तक जिंदा है ना, तब तक जीजी विषय का प्रमाण देवे कि हम जिंदा है। गजेंद्र भैया को बहुत अंतर्मन से जय चार भुजनाथ की, क्योंकि रामासामयी होना चाहिए, और ये माइक्रोफोन मैं समर्पित कर रहा हूं। थैंक यू। देखिए रात्रि के समय लगभग 3 बज चुके हैं, और बहुत सारे चैनसुख जी भी कलाकारों को नंबर भी आयो को नहीं है सबकी, हाँ 8 नहीं है, सुबह 11-12 बजे तक उठे थे। बिल्कुल सर, तो मेरा निवेदन है जितना भी कलाकार बंधु पधारिया है आज दादा के निमित्त, ₹1100 कालका माता मंदिर आसावरी की तरफ से, MS की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ₹510 रामकिशोर जी सुतार साहब आपकी तरफ से ₹500, ₹551 महेश जी सोनी साहब नोखा से, और ₹551 राशि श्री राजेश जी जादड़ा साहब जो नोखा से, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी हार्दिक इच्छा है, दिल की इच्छा है, पुण्यतिथि की प्रथम जागरण है, कल का कोई भरोसा नहीं है, कल क्यों सरवन साहब, कल को भरोसा को नहीं, जता भी कलाकार आया है सब सुमारो निवेदन है आज
आप पिछली बार की तरह यह मत पधार जो, मात्र एक एक लाइन ही सुना जाजो, लेकिन दादा के दरबार में हाजिरी दे दीजो, डोकर आशीर्वाद दे लो तन मन सो आप सब बने, हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना मेरी विनती है। आएगा और मंगल भाई साहब आपसे मेरा निवेदन है, पिछली बार आपने कुछ भी नहीं गाया था, दादा बहुत घनिष्ठ है तो आज हाजिरी बिल्कुल आप ही लगाना चाहिए। सुबह 11 बजे नंबर आए, लेकिन आज एक शब्द बोलना यार, मैं भी ज्यादा नहीं गाऊंगा, मात्र एक कड़ी दादा के उसी भजन की भाई साहब का फरमाइश थी वो सुना रहा हूँ, विदाउट रिदम नहीं है ना। रिकुण तो गासी सोनाणा में खेतल का गुणिगा, गुण तो गासी सोनाणा में खेतल का गुणिगा, गुण मनासी जल देवी ने रिसासी रारी माई, गुण मनासी जल देवी ने सासी रारी माई, लगयो दुनिया नी दादो रुला गयो दुनिया नी दादो, कालू राम बिखरिया एक करी फेर सुना दे मारा दादा मत मारे का करिया, एक करी फेर सुना दे मारा दादा मत मारे का करिया। बहुत बहुत धन्यवाद, ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे। सभी लोग पधारे, सरपंच साहब को दिल की गहराई से मैं आभार व्यक्त करता हूँ, महादेव बाबू शंकर भगवान अपने खूब देवेला साहब, पूरा गांव रो सहयोग और आपे सहयोग से वहाँ दादारिया मूर्ति लगी है, एक बार जोरदार तालियां बजाए ताने की अमर आशीष है हमारे तरफ से, भगवान खूब फलो फलो आप दादा की निमत आपने लिए, पांचों भाइयों ने पूनम चंद जी हमारे भाणु बना सभी ने आपने किया है, दादा की अजर अमर आशीष हमेशा आपके साथ रहेला। और दादा फैंस क्लब आप सबसे मारो निवेदन है, कलाकार बंधुआ मैं लोग साथ देवा नहीं देवा, क्योंकि आप लोग इतने दादा से घनिष्ठ देते हैं, बच्चों का आपको करना सब हकीकत है, झूठा वादा करेला कोई मतलब है को नहीं, आप ही सब कुछ